प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 के तहत बनने वाला एलिवेटेड मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन आबादी के मामले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़बाग को मेट्रो कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। यह मेट्रो स्टेशन जमीन से लगभग 11 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म पर तैयार होगा, जिसमें 4 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर के साथ 2 प्रवेश और 2 निकास द्वार की सुविधा होगी। जून 2025 तक इस रूट पर परिचालन प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना मेट्रो निर्माण की नोडल एजेंसी दिल्ली मेट्रो की सूचना के मुताबिक मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन कई महत्वपूर्ण स्थानों को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। इसके माध्यम से शहर के किसी भी हिस्से से मेदांता जैसे अस्पताल तक मरीजों की पहुंच आसान हो पाएगी। इसके अलावा पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग सब्जी मंडी, कुम्हरार पार्क आदि स्थलों पर भी पहुंचना आसान होगा। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र के आसपास जगह की कमी के कारण संरचनाओं का निर्माण करना प्रमुख इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है, लेकिन मेट्रो स्टेशन तैयार होने पर इलाके में यातायात की भीड़ और प्रदूषण में कमी आएगी। इससे शहर की 20 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ होने और पर्यावरण स्वच्छ रखने की उम्मीद है। मालूम हो कि 32.5 किलोमीटर लंबा पटना मेट्रो रेल परियोजना में दानापुर खेमनीचक कॉरिडोर जो कि कॉरिडोर 1 और पटना स्टेशन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल जो कि कॉरिडोर 2 में शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 13,925 करोड़ रुपए है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।